Hello friends, welcome you all on my YouTube channel on environmental science. दोस्तों आज हम risk assessment के ऊपर numerical solve करेंगे जो UGC NET January 2017 में पूछा गया था. चलिए देखते हैं क्या question पूछा गया था. The potency factor of CHCl3 is 6.1 into 10 to power minus 3 kg day per milligram. The concentration in drinking water that would result in 2 into 10 to power minus 6 risk for a 70 kg man, that is an adult man who drinks 2 liter per day throughout of his life. इसमें चार ऑप्शन दिए गए थे, इसमें से पहला ऑप्शन करेक्ट. देखिए कैसे हमारा आंसर 11.4 माइक्रोग्राम पर लीटर आता है. क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम देख लेते हैं कि इसमें हमारा कौन सा फॉर्मूला यूज होगा और उस फॉर्मूले में हर एक टर्म को हम पढ़ लेंगे क्या क्या उसका मतलब है. तो जो हमारा फॉर्मूला यूज होगा होगा I इज इक्वल टू सी फिर ब्रैकेट सी आर इंटू ई एफ इंटू ई डी इंटू डिवाइडेड बाय बी डब्ल्यू अपॉन ए टी. ये हमारी इक्वेशन इसमें यूज होगी. देखते हैं इसमें सी आर क्या है. सी आर सी आर हमारा है कॉन्टेक्ट रेट, मीन्स जो भी कंटेमिनेशन है उससे हमारा कॉन्टेक्ट पर डे कितना कॉन्टेक्ट उससे है, कितना कंटेमिनेशन हम इनटेक कर रहे हैं. सॉरी हम सी बोल गए थे, सी को देखते हैं. सी है एवरेज कंसेंट्रेशन ऑफ कंटेमिनेशन एट एक्सपोजर. जिस भी चीज से हम एक्सपोजर हो उसमें कितना अमाउंट कंटेमिनेशन है जिसको हम डिफाइन करते हैं मिलीग्राम पर लीटर. अगर हम वाटर से आ रहा है कंटेमिनेशन, सॉइल से आया तो मिलीग्राम पर मिलीग्राम और मिलीग्राम पर मीटर क्यूब. अगर कंटेमिनेशन एयर से हम एक्सपोज हो रहे हैं. ई एफ हमारा एक्सपोजर फ्रिक्वेंसी. एक्सपोजर फ्रिक्वेंसी हम एक साल में कितने दिन उसमें एक्सपोज हो रहे हैं. ई डी है एक्सपोजर ड्यूरेशन, कितने साल तक हम उस चीज उस कंटेमिनेशन से एक्सपोज हो रहे हैं. बॉडी वेट और बॉडी वेट ऑफ अ पर्सन जो उसमें एक्सपोज हो रहा है. तो फॉर एन एडल्ट वी यूज 70 केजी, इफ इट इज एन चाइल्ड वी यूज 15 केजी. एटी हमारा है पीरियड ओवर इज एक्सपोजर इज एवरेज, लाइक 70 ईयर लाइफ ऑफ एन एडल्ट इज कंसिडर्ड. अगर वो 70 ईयर उसकी लाइफ है तो हम 70 ईयर का एवरेज लेंगे उस कंटेमिनेशन के एक्सपोजर का. और जो दूसरा फॉर्मूला है रिस्क, रिस्क हमारा होता है रिस्क इज इक्वल टू आई इंटू एस एफ एस एफ. अब देख लेते हैं हम आई. आई को हमारा एक और टर्म है जिससे हम आई को डिफाइन करते हैं, वो है हमारा क्रोनिकल डेली इनटेक. एंड एस एफ है, एस एफ को भी हम दूसरे टर्म में डिफाइन कर सकते हैं जैसे है द पोटेंसी फैक्टर इज द स्लोप ऑफ द डोज रेस्पॉन्स कर्व. जो बेसिकली एस एफ क्या है, पोटेंसी फैक्टर है. तो हम देखते हैं अब हमें क्या क्या. ये हमारा फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे और ये दो फॉर्मूले हम यूज करेंगे. तो जो हमें दिया है सी हमें फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में. तो हमें सी आर की वैल्यू गिवन थी क्वेश्चन में 2 लीटर पर डे. ई एफ हमें गिवन नहीं था क्वेश्चन में. अब तो हम एक्सपोज फ्रीक्वेंसी निकालेंगे डेली, यानी कि उसमें लाइफ टाइम लिखा था, यानी कि डेली वो एक्सपोज हो रहा है कंटेमिनेशन से. ई डी एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन हम एवरेज लाइफ ऑफ ह्यूमन मानेंगे 70. बॉडी वेट गिवन है क्वेश्चन में 70 केजी. एटी हमारा 365 डेज पर ईयर और 70 ईयर लाइफ है हमारी उसका हमने एवरेज कर दिया पर डे में निकाल दिया. रिस्क हमें गिवन है 2 × 10⁻⁶ और एस एफ दैट इज पोटेंसी फैक्टर वो हमें गिवन है 6.1 × 10⁻⁶ केजी डे मिलीग्राम. तो हम इन दोनों इक्वेशन को यूज करके एक इक्वेशन वन और टू इन दोनों को हम रीअरेंज करके C
इन टर्म ऑफ सी जो हमें फाइंड आउट करना है उसके टर्म में हम निकाल लेंगे। तो सी इज इक्वल टू रिस्क फैक्टर अपॉन एस एफ बी डब्ल्यू इंटू ए टी अपॉन सी आर इंटू ई एफ इंटू ए डी। तो हमें सारी वैल्यू गिवन है, हमें सी ऑफ सी फाइंड आउट करना है, तो हमने सारी वैल्यू यहाँ फॉर्मूले में पुट अप कर दी। और जो हमारा हम एक बार देखते हैं यूनिट कैंसिलेशन करके कि हमारी जो यूनिट है वो सी की मिलीग्राम पर लीटर या फिर ग्राम पर लीटर या फिर माइक्रोग्राम पर लीटर आना चाहिए, क्योंकि हमारा इंटेक वाटर है। तो हमारा जो डेज पर ईयर ये कैंसिल हो गया आपस में, ईयर से ईयर कैंसिल हो गया, देन डे से डे कैंसिल हो गया, माइक्रोग्राम हमारा ऊपर चला गया और केजी से हमारा केजी कैंसिल हो गया। तो हमारा बचा है मिलीग्राम पर लीटर। तो हम जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 11.47 इंटू 10^3 मिलीग्राम पर लीटर, क्योंकि ये मिलीग्राम हमारा यहाँ पे कैंसिल नहीं हुआ था किसी से, तो हम मिलीग्राम में कन्वर्ट कर देंगे माइक्रोग्राम में 10^-3। तो ये 10^ मिलीग्राम को लेंगे 10^-6, तो 10^-6 होता है माइक्रो इज इक्वल टू माइक्रो, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया 11.47। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।